इधर राजधानी रांची की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की बात की जाए तो अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पहले झारखंड में रियल स्टेट के लोग अपराधियों के शिकार बनते थे, लेकिन अब व्यवसायी भी अपराधियों के निशाने पर हैं। मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी काजल। राजधानी में आए दिन मारपीट की घटनाएं तो काफी ज्यादा आम हो गई है, गोलीबारी की घटनाएं भी आम हो गई है। आपको बता दें कि बीते शाम किशोरगंज चौक पे पार्किंग के मामले को लेकर के दो गुटों में कहासुनी हो गई, जिसके कारण प्रीति स्वीट्स भी इसका शिकार हो गया, जो कि किशोरगंज चौक पे स्थित है, जिसके विरोध में प्रीति स्वीट्स के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, जिसके विरोध में आज रविवार को राजधानी के किशोरगंज चौक पे कई दुकान कारोबारियों ने इसका विरोध किया है और सारी दुकानें बंद रखी है, जिसको लेकर के रांची प्रशासन जो है पूरे तरीके से तैनात है और पूरे के पूरे किशोरगंज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताते चलें कि पूरे मामले की शुरुआत होती है रात के 8:30 बजे, जहाँ किशोरगंज चौक पर हिंदपीढ़ी थाना के रहने वाले बिल्डर नीलेश अपनी कार सड़क किनारे खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार युवक ने उनकी गाड़ी में धक्का मार दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई। आसपास के लोगों ने दखल दिया, आसपास के लोगों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। चूँकि मामला प्रीति स्वीट्स के आगे का था, तो प्रीति स्वीट्स भी इस मामले में घुसा, जिसके बाद करीबन 9:45 पे वहाँ मौजूद लोगों ने कुछ लोगों को फ़ोन किया और 9:45 पे करीबन 70 से 80 लोग आए और प्रीति स्वीट्स में घुस गए, जिसके बाद सभी लोगों के पास कई हथियार थे, तरह तरह के हथियार थे, लाठी चाकू, इस तरीके की मामले सामने आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें थी उनके हाथ में। और दोनों जो अंदर दुकान के अंदर थे, प्रीति स्वीट्स के अंदर थे, मालिक के ऊपर और उनके एक स्टाफ के ऊपर काफ़ी बुरे तरीके से मारपीट किया, हमला किया, काफ़ी बुरे तरीके से दोनों को घायल कर दिया गया, जिसे लेकर के राजधानी के किशोरगंज चौक पे लगभग सारी की सारी दुकानें बंद कर दी गई है। इसका विरोध किया जा रहा है और इस तरीके के मामलों को लेकर के जो बढ़ोतरी हो रही है, इस तरीके के मामलों को लेकर के लोगों को प्रशासन से आगाह किया जा रहा है कि रोकथाम के लिए कोई ना कोई कड़ा और कठोर निर्णय लेना चाहिए। वहीं हमारे साथ इस वक्त कल शाम में हुए प्रीति स्वीट्स पे हमले, जो हमला हुआ है उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त है दुकान के जो मालिक है, जो कल जिनके बेटे मौजूद थे, उनके पिता हमारे साथ हैं। क्या इस तरीके का ये घटना को अंजाम दिया गया है किशोरगंज एग्जैक्ट चौक पे, और क्या लगता है आपको किन लोगों का हाथ हो सकता है इसके पीछे? इसमें देखिए, एक समुदाय के लोग थे, वही लोग का मतलब इस पे पूरा मतलब हाथ है। और हमारा लड़का है सो शॉप बंद करके के शटर गिरा भी चुका था, और उसके बाद में है सो लोग जाने का तैयारी में था घर। हमारा घर का घर तो ये भी है और शॉप भी है मतलब, लेकिन अब यहाँ नहीं रह के हम लोग रहते हैं रिंग रोड में। और उसके बाद में वो है सो निकल करके बाहर शॉप के पास में खड़ा था, और एक स्टाफ है सो अंदर से लॉक करके के वो दूसरे रास्ता से निकल रहा था। और तब तक से उधर से 70-80 आदमी 100 आदमी भी हो सकते हैं, उतना तो गिनती कर नहीं पाते हैं कोई, लेकिन जैसा बतलाया गया है मुझे तो उस हिसाब से वो जैसे उन लोग का मुंह पहुंचा और हमारे लड़के के ऊपर रुद्रदीप शादे के ऊपर में उन्होंने वार कर दिया, और वार कर दिया तो वो गिर गया। उसके बाद में फिर उसको मतलब माथा में चोट भी लगा है, और उसके बाद में वो लड़का जो दुकान के अंदर में शॉप के अंदर में जो था वो जब निकल करके भागा उस तरफ में लेक रोड के तरफ में, तो उसको रास्ता में ही पकड़ करके चौक पे ही ऐसो काफ़ी मारा गया, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट है। और वो ऐसे एक मतलब समझिए कि जाना चाह रहा था कि कुछ अपने परिवार के लोग रहते हैं उन लोग को बताने के लिए, लेकिन उनको तो रास्ता में ही छेक करके पटक करके लात जूता से काफ़ी डंटा से चाहे जो भी उन लोग पास में सामान था उसे मारा है। उसका बहुत ही मतलब भीतरी चोट बहुत ज़्यादा है उसका। इसमें कोई क्या निजी दुश्मनी भी, चूंकि मामला बताया जा रहा है पार्किंग का मामला था, क्या इस तरीके की कोई आशंका है कि निजी दुश्मनी हो किसी तरह की? नहीं नहीं, हमको तो इसके बारे में कोई खबर नहीं, क्योंकि हम तो रहते नहीं है यहाँ पर, हम तो अपने घर पे वहाँ रिंग रोड पे ही रहते हैं। उसके बारे में तो हमारा लड़का ही कुछ बतला पाएगा, क्योंकि हम तो स्पॉट पर थे नहीं तो। और ऐसा बात नहीं है कि कोई दुकान के अंदर में कोई झगड़ा झंझट तो हुआ नहीं है, ये तो दुकान के बाहर में किया गया है, ये तो एक षड्यंत्र के
अनुसार से मतलब ये लोग ऐसा हमेशा चाहता है कि इस रोड में हम लोग हावी रहे। जी, क्या नाम हुआ आपका? लाल समीरनाथ साहदेव। आप जो घायल है उनके पिता कह हुए? जी। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनके साथ कल बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई दुकान में, और उसके बाद जिस तरीके से माहौल बना हुआ है राजधानी के किशोरगंज चौक का, ऐसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है शहरी इलाकों में। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सोचने वाली बात है। और हमारे साथ थे घायल युवक के पिता, और जिन्होंने सारी चीज़ें बताई। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया जा सका है कि ये किसी निजी दुश्मनी या फिर निजी विवाद का कोई मसला था, क्योंकि मामला जो सामने आ रहा है पार्किंग का मामला था, और पार्किंग को लेकर के जिस तरीके से भिड़ंत हुई है, और ऐसे में 70 से 80 लोगों का दुकान के पास आना और यूं मारपीट करना कहीं ना कहीं एक आपराधिक घटना की ओर इशारा करता है। देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक जांच में क्या कुछ उभर के सामने आता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, सहयोगी दीपक के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची। और इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी कुंदन धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ काजल रांची से न्यूज रूम से हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। काजल, अभी अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी, जिस तरीके से किशोरगंज चौक बिल्कुल व्यस्त इलाका है ये काजल, सरेआम इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है। काजल जी, रितिका, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, ये सुरक्षा पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके के माहौल बने हुए हैं राजधानी में, सिर्फ ये राजधानी की ही बात नहीं है, मैं पूरी झारखंड को अगर इसमें शामिल करूं तो ये भी शायद कम होगा मेरे लिए। पूरी के पूरे राजधानी में जिस तरीके से प्रशासनिक दावे किए जाते हैं, सुरक्षा के मद्देनज़र दावे किए जाते हैं, लोगों को बेखौफ जिस तरीके से रहने की चीज़ें बताई जाती हैं कि प्रशासन है, हमारे सुरक्षाकर्मी हमारे साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें फीकी होती नज़र आ रही है। चूँकि राजधानी की जो स्थिति है, किशोरगंज चौक एक ऐसा इलाका है जो रात के 11 बजे भी अगर उस जगह पर निकला जाए तो शोर शराबा लोग रहते हैं, दुकानें खुली रहती है। ऐसे जगह की बात की जाए, ऐसे जगह पे ऐसी घटना का होना कहीं ना कहीं आपराधिक जो लोग हैं, आपराधिक लोगों को एक बढ़ावा है, और राजधानी की पुलिस और प्रशासन फिलहाल तो कुछ करती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि मामले तो होते ही हैं, गिरफ्तारियां भी होती है, लेकिन प्रशासनिक खौफ जो होता है वो लोगों में कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। जो अपराध कर्मी है वो आए दिन नए नए अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल शाम की अगर हम बात करें तो कल शाम में किशोरगंज में एक छोटी सी चीज जो थी, छोटी सी बहस नोकझोंक जो कि जानलेवा हमले तक पहुंच गई, ये और उस जगह पर 8:30 से लेकर के 10 बजे तक पुलिस का ना होना, इस तरीके से 70 से 80 लोगों का वहाँ पे एक गुट बना करके आना, दुकान में 2 लोगों पे हमला करना, कहीं ना कहीं वाजिब नहीं लगता है और प्रशासन पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रितिका, बिल्कुल काजल, हमारे सहयोगी कुंदन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुंदन, अगला सवाल आपसे होगा, बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से वहाँ भी इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद हमने देखा तमाम जितने भी शहर के व्यवसायी थे उनके तरफ से आंदोलन किया गया, तो क्या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भी कुछ सिचुएशन जो इसी तरीके के हैं, क्योंकि उसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े उठे थे। कुंदन, देखिए रितिका, आपको बता दें कि जिस तरह से धनबाद जिला अभी अशांत है 2 सालों में, जिस तरह से व्यापारी लोग परेशान हैं, यहाँ पे डर के साए में जी रहे हैं, एक नाम आता है जिसके नाम से व्यापारी कांप जाते हैं, जिसका टेलीफोन जब बजता है व्हाट्सएप कॉलिंग आती है और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उनके रूह कांपने लगती है, तो उसका नाम धनबाद में बहुत चर्चित नाम आ गया है, प्रिंस खान, जिसके नाम से व्यापारी डर के पलायन होने के लिए तैयार है, और इस तरह से तैयार है कि लोग डर से इसाए में जिला प्रशासन के साथ गुहार लगा रहे हैं और DC को आवेदन दे रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके से उसका कहर बरस रहा है, वो लगातार किसी न किसी व्यापारी को टारगेट लेता है और जान से मारने की धमकी देता है और फोन करता है, उसके बाद अगर वो पैसा मांगता है, अगर कोई व्यापारी ना दे उसे गोली से मार देने की कोशिश करता है, उसके घर पे बम फेंकवाता है, उसकी रेकी करवाते उसे जान से मारने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि बीते दिनों शनिवार को दीपक अग्रवाल को गोली मारी गई है, जिसका बैंक मोड़ पे दुकान है, कार की दुकान है, जो कार का शॉप का दुकान है, जो कार के सामान बेचता है, उसकी दिन दहाड़े उसके दुकान पर पहुंचकर
उसे गोली मार दिया जाता है और तुरंत उसे तत्कालीन वहां के लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो बच जाता है। लेकिन जिस तरह से आपको बात कर ले धनबाद जिले में व्यापारियों लोग का माहौल देखने को मिल रहा है, वो डर के सहारे में गुजार रहे हैं, कहीं उनको किसी तरफ से सुरक्षा की तैनाती नहीं हो रही है और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं हमें बचा लिया जाए। जी बिल्कुल कुंदन, भले ही जितने भी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है उसके बाद पुलिस की तरफ से जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, परिणाम कहाँ दिख रहा है कुंदन? हर बार यही सुनते हैं कि गुहार लगाई गई है तो ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो जीरो, फिर से कोई प्रिंस खान का गुर्गा फिर से कोई घटना को अंजाम दे रहा है, चूक कहाँ पर हो रही है? देखिए बीते दिनों ने विज्ञापन सौंपा ठीक ना एसएसपी को, एसएसपी ने कुर्के को भी पकड़े प्रिंस खान के, लेकिन कुर्के पकड़ने के बाद ही वो कुर्का के तोड़ में गोली लग जाता है, पुलिस गोली मारती है, लेकिन पुलिस को टारगेट ना बोलकर वो सीधे व्यापारी पे टारगेट करता है और एक मैसेज छोड़ता है, बोलता है कि दुबाली में बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, लाइव सेवन इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये वायरल कहां से आया कैसे आया, लेकिन किसी व्यापारी के ही तरीके से हमारे पास पता चला कि ऐसी मैसेज आई है कि दिवाली में बड़ा धमाका करेंगे, मेरे लोग को गोली लगा है तो हम भी उस व्यापारी का खोपड़ी खोल देंगे। ये बड़ी बातें आ रही है सामने क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जो लोगों के लिए यहाँ के व्यापारी लोग के लिए कि वो जो है उस दिन बहुत बिजनेस करते हैं लोग, ये चाहे वो पलंग की दुकान हो चाहे वो मिठाई की दुकान है, तो ये लोग डर के साए में दुकान खोलने के लिए भी अब सोचना पड़ेगा। जी रितिका, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, अभिषेक अग्रवाल है हमारे साथ चेंबर के सदस्य है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनसे कैसे निजात पाया जाएगा और कैसे डर के साए से आप लोग निकलेंगे। बताइए कि परेशानी अभी बात जिले में आप लोग देख रहे हैं उसको कैसे जिले प्रशासन से आप आगे को धमकी दी जा रही है, बहुत भय आ चुके हैं, हमारा ये आग्रह है जल्द से जल्द पर कार्रवाई करें और आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करें। आप लोग को यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोग सुरक्षित माहौल में हैं, आप लोग गठित कर चुके हैं और आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आगे ऐसी कोई नहीं घटे। लेकिन यही तो दिखता रहा है अभिषेक जी की व्यापारी कंप्लेन करते हैं तो उसके बाद दो गुर्गे पकड़ाते हैं, दो चार दिन के बाद फिर एक व्यापारी को टारगेट किया जाता है और मैसेज भेजा जाता है कि दिवाली में मैसेज का क्या आप सुनते समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे जिला प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है। जी आपने सुना है क्या कि जिला प्रशासन की कमी और डर के साए में जी रहे हैं व्यापारी। काजल, अगला सवाल आपसे, जिस तरीके से अभी झारखंड में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है लगातार, ये जो पूरे इलाके की अगर बात करें, ये जो हरमू इलाका है किशोरगंज है, लगातार वहां पर पुलिस कर्मी तैनात हैं क्योंकि हमारी जो महिला खिलाड़ी इसी रास्ते से वो होटल से स्टेडियम से होटल जा रही है, बावजूद इसके इतनी भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रहती है, इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया? दाग की भी बात हम कह सकते हैं, अगर अभी खेल चल रहा है और इस खेल के दौरान जो महिला खिलाड़ी है सभी इसी रास्ते से, किशोरगंज का जो रास्ता है इस रास्ते को पार करती हैं और इसी रास्ते से उनके आवाजाही, और सिर्फ आज की बात नहीं, आज तो महिला खिलाड़ी लोग आना जाना कर रही है, लेकिन अधिकतर नेता मंत्री की अगर मैं बात कर लूँ, विधायक की बात कर लूँ, या फिर चूँकि किशोरगंज एक ऐसा इलाका है जो सभी रास्तों के बीच में पड़ता है और इधर से आना जाना, विधानसभा की बात कर लूँ मैं तो
विधानसभा इधर से जाते हैं लोग, उच्च न्यायालय सभी तरफ, तो अगर इस जगह पे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा राजधानी प्रशासन के लिए। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो बात रही किशोरगंज की, राजधानी के ग्रामीण इलाकों में भी कुछ खासा शांति नहीं है, उधर भी अब तक, रितिका आपने एक चीज गौर की होगी, राजधानी में अब तक की जो स्थिति है, लोग रियल स्टेट के हम जमींदारों को कह सकते हैं, जमींदारों पे अब तक निशाना बनाए हुए थे ये आपराधिक तत्व के लोग, लेकिन अब जो है अब व्यवसायियों पे भी निशाना साध रहे हैं। ऐसी घटनाएं अगर इसी महीने की बात की जाए तो इसी महीने में ऐसी कई तरह की घटनाएं थी और जिसमें पुलिस अब तक, पुलिस के हाथ खाली, साफ साफ खाली नजर आ रहे हैं। और अगर मैं ऐसी घटनाओं की बातें भी करूं तो शायद 3-4 घटनाएं मैं 6 महीने के अंदर की बात है, अगर 6 महीने के अंदर में खुलासे की बात की जाए प्रशासन की, तो अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और इस मामले में भी अभी जाँच चल रही है, जो कि कल शाम की थी, अभी जाँच चल रही है। और साथ ही साथ यहाँ के जो लोगों ने हमें जानकारी दी, कुछ ऐसी जानकारी थी कि कल शाम में जिस तरीके से मारपीट किया गया और जो दुकान संचालक है, प्रीति स्वीट्स के जो संचालक है और उनके स्टाफ के साथ जिस तरीके से मारपीट किया गया, घायल किया गया, ये इरादा हालांकि मारपीट का नहीं था, क्योंकि हम पहले भी दर्शकों को दिखा चुके हैं, ये सिर्फ एक छोटी सी नोकझोंक थी पार्किंग को लेकर के, लेकिन ये पार्किंग की छोटी सी नोकझोंक में अपना दबदबा बनाने के लिए जिस तरीके से स्कूटी सवार व्यक्ति ने अपने लोगों को कॉल किया और 70 से 80 लोग एक बार में मॉब के रूप में आ जाते हैं, तो प्रशासन पे सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन उस वक्त कहाँ थी। 9:45 की बात थी और उस वक्त प्रशासन का वहाँ मौजूद ना होना, रोकथाम ना करना, इस तरीके से मारपीट हो जाने के बाद प्रशासन का हरकत में आना एक बड़ा अचंभित करता है राजधानी वासियों को। और जो सुरक्षा के नज़र से हम प्रशासन के ऊपर भरोसा करते हैं और बेखौफ होकर के अपने घरों में रहते हैं, ये कहीं ना कहीं उस भरोसे पे दाग लगा रहा है, इस तरीके की घटना दाग लगाना हुआ। अभी तक अगर रिपोर्ट्स की देखें तो अभी तक किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि जो दुकानदार हैं उन लोगों ने ये कोतवाली थाना में, नज़दीकी थाना में अपनी जो FIR है वो भी दर्ज कर दी है, प्राथमिकी दर्ज कर दी है, और पुलिस सभी कोनों पे सभी पहलुओं से जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच करना, पुलिस के हाथ फिर भी खाली होना, और सिर्फ यही मामला नहीं, इससे पहले भी मैं अगर हाल की बात करूं तो नगड़ी में भी एक व्यवसायी, एक होटल व्यवसायी को गोली से छल्ली कर दिया गया था, और ऐसे इलापुंग का भी ऐसे ही मामला है। तो पूरी की पूरी राजधानी में रितिका ये चीज़ देखा जा रहा है कि प्रशासनिक जो ढीलाईपन है, इसके कारण लोग जो अपराधी हैं, माफ़ कीजिएगा, जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं और आम और साधारण लोगों में एक डर नजर आ रहा है, खौफ पनप रहा है। काजल, बिल्कुल काजल, लिहाजा देखा जाए तो कह सकते हैं कि राजधानी में जितने भी अपराधी हैं वो बेखौफ हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया काजल आपका हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, कुंदन आपका भी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और हमारा मुद्दा था जिस तरीके से पूरे राजधानी में जितने भी अपराधी हैं वो आज खुले तौर पर घटनाओं को अंजाम दे रहे, कहीं हत्या कर दी जा रही है तो कहीं मारपीट की जा रही है, और वो भी ऐसे जगहों पर जो एरिया काफ़ी पॉश कहलाता है, जहां से आए दिन नेता मंत्री गुजरते हैं, तो ऐसे में जनता की सुरक्षा का क्या होगा, अगर किसी भी जनता का कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा।